हे गाइस, कैसे आप लोग? हम लोग आ चुके हैं अपने दादा दादी से मिलने के लिए। बहुत दिन हो गया था यार दादा दादी से मिला नहीं। दादा दादी गुस्सा हो जाते हैं यार, तो सबसे पहले एक्सट्रीम मोड लगा देते भाई, एक्सट्रीम मोड में। लेकिन फिर जितने औकात नहीं खेलेंगे, लेकिन इजी मोड में। और ये सब हमें मत बताओ, अपने बाप को मत सिखाना। ठीक है, डे वन स्टार्ट करते हैं। डे वन देखते क्या क्या होता है इसके बाद। अरे भाई डे वन जल्दी उठ जा भाई, तो जाएगा क्या? ओके, अब लोग उठने वाले हैं। ओके, हमारा डे वन स्टार्ट हो गया। हाय हाय, गंदी जगह है ये, और गंदी जगह पे इतनी गंदी जगह, ओ माय गॉड, कि देख करके मुझे उल्टी आ रही है। चलो दादा दादी, तुम्हारे घर से अब मुझे निकलना है, क्योंकि तुम मेरे असली दादा सगे दादा दादी नहीं हो। ठीक हो? मतलब ठीक है। ओके चलो, इसके नीचे कुर्बार चाहिए, नीचे जाके देखते हैं। ओहो, यहाँ पे बोट रखे दादा दादी हैं। और ये देखो ऑक्टोपस भाई। और पहले बात बता दो, मैं गेम नहीं खेला हूँ सबसे। मैं मतलब कि गेम नहीं खेला कभी, ज़्यादा नहीं खेला मैंने आज तक। एक बार भी स्किप भी नहीं किया इस गेम से। ओके देखते हैं क्या है। ये तो अपना टॉर्चर रूम है। ओके, ये टॉर्चर रूम में हमें नहीं जाना, ऐसा करना होगा ना जिससे कि हमें इस टॉर्चर रूम में जाने की नौबत ही ना आए। चलो अब इसके आगे देखते जाकर के ऊपर। दादा दादी, वेर आर यू दादा दादी? इसको खोल के देखते। दादी, तुम्हारा ड्रॉवर खोल रहा हूँ, कुछ करेगी ना ना? और किसके अंदर कोई नहीं है, इसको बंद करो भाई, प्राइवेसी नाम की एक चीज़ होती है ना। ओके, इसको खोलो, इसको भी खोल लो, नहीं है कुछ भी। इसके अंदर खोलो, इसके अंदर। ओके, हेलीकॉप्टर मैनुअल ना, यू कैन हैंड कंट्रोल हेलीकॉप्टर। जब हम लोग हेलीकॉप्टर कंट्रोल कर सकते हो। और ये देखो, ये वाली गिरने नहीं चाहिए भाई, इससे आवाज़ होती है और करानी आ जाती है। नहीं, दादी आ जाती है भाई, दादी आती है तो डंडे डंडे बरसा देती है अंदर। तब जब देखो खोलते हैं, कुछ आवाज़ आ रही थी पूरी वहाँ पैरों की, तब शायद वो चले गया होगा। ओके, कोई नहीं है सामने। दादी कहाँ गई? दादी, ओ दादी, तू इधर से कितने आ गई? अरे दादा, तू भी आ गया? दोनों मियाँ बाप बीबी एक साथ घूमती रहती है। ओके यार, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अरे दद्दा, इधर आ जा, इधर आ जा दद्दा। Surprise, motherfucker! अरे दादा दादी, तूने तो एक साथ आकर के ये क्या कर डाला? ये लोग दोनों एक दूसरे को फोन से कांटेक्ट करते हैं। साइज की बोली है, एक साइड से मैं जाऊंगी, एक साइड से तू जाएगा, बचाकर पकड़ लेना। इतना गंदा मारा यार, बहुत गंदा मारा। ऐसे कौन मारता है फंसा करके? इस बार मुझे एक ट्रिक सोची है, क्या करने वाला हूँ मैं, क्या करूँगा इस बार की। तो खोलेंगे इसको, दरवाजे खोलो, और सबसे पहले तो इनको नीचे ही बुला लेते हैं। इनका स्वागत नीचे करते हैं, नीचे इनका स्वागत करते हैं। ये रोहन और भारती इधर आएंगे दादा दादी। अच्छा रे दादा, जल्दी आ जा रहे दादा, जल्दी आना रे दादा। ओके, दादा भी चला गया, दादी भी चली गई। काफ़ी टाइम लगा दिया इन लोगों ने आने में, बाप रे बाप यार, बहुत टाइम लगा देते हैं लोग आने में। चलो अब जल्दी से इसका घर एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या है। वैसे ताजमहल तो है नहीं, उसका घर एक्सप्लोर करने लायक कुछ है नहीं। बस तो अपना जुगाड़िया खोजो, ना अपना जुगाड़ का सामान खोजो भाई, इंडियन जुगाड़ लगाओ और हेलीकॉप्टर बना के निकल लो। लगता है इस गेम का डेवलपर भी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मैंने इसका स्किन देखा था, फिर मैं हेलीकॉप्टर को टेप से आता गया था। वाह भाई, इंडियन जुगाड़, वाह, टेप की पंख, टेप मतलब हेलीकॉप्टर की पंख की टेप से साटो। अच्छा इंडियन जुगाड़ है। सेक्टर के अंदर हम देख लेते कुछ है, ये स्टॉपर के अंदर कुछ नहीं है भाई, क्योंकि इसके अंदर स्टन गन मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए सिक्योरिटी, क्योंकि इसके घर में कुछ खास नहीं है। जो भी मिलेगा खास चीज़ें मुझे ऊपर वाली फ्लोर में मिलने वाले हैं। ओके, जितना पूरा काम मुझे ऊपर वाले फ्लोर से क्योंकि हमें करना है। हेलीकॉप्टर पे टेप आर स्पार्क प्लग है इसके अंदर, तो ये कोई काम का नहीं है। मुझे चाहिए इसके लिए सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी है दद्दू के पास। दद्दू दे दे सिक्योरिटी की, वरना तेरी दद्दी से ना तेरी, ये दद्दी ने सुन लिया भाई, क्या बोलने लगा था मैं, भूल भी गया यार। दद्दी आ रही है, भागो यहाँ से। दद्दी ने देख लिया हमें, अब इस दरवाजे को खोलो और यहाँ से भी बल्लो भाई नीचे। ओके, स्टंट गन पे ढूंढना पड़ेगा जल्दी जल्दी। इसके अंदर देख लेते क्या है। ये डोर लॉक क्या होता है भाई? डोर लॉक बता देना जरा कोई, क्या होता है इस डोर लॉक से? मुझे नहीं पता डोर लॉक से क्या होता है, क्योंकि मैं पहली बार खेल रहा हूँ ना, मुझे पता ही नहीं। कुछ कुछ चीज़ें बता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे गेम प्ले वगैरह देखे हैं, ईस्ट वॉय सबको भी मैंने देखा था खेलते हुए, तो वो मुझे पता है किस तरह क्या कर कैसे होता है। ओके, तो इसको बंद करो पहले। प्राइवेसी नाम का चीज़ होता है ना, एक पर्सनल चीज़ें, पर्सनल चीज़ें होती है, तो गेट बंद कर दो। दद्दी आना मत, मैं सावर ले रहा हूँ अभी। दद्दी पहले चलो ऊपर से छलांग मार के आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो निकल के देखते हैं बाहर, कोई नहीं है इधर। वैसे मैं स्टंट गन ढूंढ रहा हूँ यार, स्टंट गन तो कहीं पे भी नहीं मिला मुझे घर पे, बस एक ये वाली जगह बचती थी। इस वाले जगह देख लेते, पता नहीं कौन सी जगह। Oh my God!
बना के रखी दादी ने। और ये देखो स्टंट गन मिल गई, ओ मिल गई रे स्टंट गन। अब आ जा दादी, तुम्हारा काम खत्म। आ जा दादी, आ जा, तेरा काम खत्म करता हूँ मैं। पहले इसको गिराओ यहाँ पे। अब आवाज होगी और दादी आएगी, भागी भागी दादी आने वाली है। दादी जल्दी आ जा, और दादी जल्दी आ जाना दादी। अभी जाके दादी आई भाई, बहुत टाइम लगा थी दादी आने में। और ये लग सौक है, जोर का झटका है, जोर से लगा ना झटका, झटका लगा। बोल तेरा पति आया है तेरे साथ, अपने पति को भुला के आई है क्या? बोल बोल। अरे निकलने तो दे दादी, निकलने तो दे दे दादी। मरने के बाद भी परेशान कर रही है दादी। अरे यहाँ से उठ के निकल जाओ। अब क्या दादी की छट्टी औलाद, अब ग्रैनी की छट्टी औलाद। ये देखो छट्टी औलाद चल गया। दद्दू दद्दू वेयर आर यू दद्दू, दद्दू वेयर आर यू दद्दू, दद्दू दद्दू वेयर आर यू दद्दू। दद्दू मिल नहीं रहे, दद्दू बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है ये, लगाओ इसको ऑन करो और दद्दू आ जाएगा। ओके दद्दू अगर तू मर्द होगा तो आ जाएगा। अच्छा दद्दू मर्द वाले दद्दू Surprise, motherfucker. दद्दू आ जा। अबे दद्दू ने पैडा सेंट्री मारी है किनारे से, तू नीचे करने क्या गया था बे? अबे दद्दू नीचे करने क्या गया था तू, मेरा एक दिन और बर्बाद कर दिया बे मतलब का। और ये यहाँ पे तबाही मची पड़ी है, इसको ऐड दिखाना है यार, मुझे ऐड नहीं देखनी, निकल यहाँ से। डे थ्री स्टार्ट भी हो गया। ओके डे थ्री स्टार्ट हो गया यार, मेरा डे पूरा खत्म हो चुका है, डे थ्री चल रहा है अपना। ये मेरे पास सिर्फ 2 दिन और। और चलो ऊपर की ओर, सबसे पहले दोनों को स्टंट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा लूट अलाटी करेंगे, मतलब लूट वगैरह लूट लूट करेंगे इसके घर में। हम लोग पबजी खेल रहे हैं क्या? लूट करेंगे मतलब एक्सप्लोर करेंगे। नहीं यार ताजमहल नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए। ओके तो हम लोग यहाँ पे अपना सामान खोजेंगे। चलो आ जा दद्दी, तो आ जा दद्दी, दद्दी आ जा, आ जा आ जा आ जा दद्दी, थोड़ा जल्दी आना रे दद्दी, तेरी कमर में मोच है, पैरों में ना। चल इधर ये अब एमओ दे दे, वरना तेरा सामने वाला पति आ जाएगा और मुझे भुकाएगा। ओके दद्दा आ जा, अब तुम्हारी चांस है, अपना चाबी मुझे देने को तैयार हो जा। चल निकल, अब पहले चाबी दे, चाबी दे। उल्टा किधर गिर रहा है, चाबी दे के गिर उल्टा। उधर 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 घूम, उधर घूम घूम, उधर घूम उधर, कोई नौटंकी नहीं चलेगी मेरे सामने। चल शांति से चाबी निकाल, चाबी निकाल, चल ये चाबी मुझे दे। अब मैं चला सिक्योरिटी गेट खोलने के लिए। अब तुम्हारा बोल सारी खुल जाएगी, सिक्योरिटी के बोर्ड में क्या क्या देखा है टीवी में, आई थिंक कुछ ने कुछ गलत देखा होगा टीवी में। ओके खुल चुका है, पर बोर्ड का स्टीयरिंग व्हील है यार, इसका कोई जरूरत नहीं है। इन ड्रॉवर को बनाया क्यों गया है यार, तुम लोग जब कुछ रखते ही नहीं हो इस ड्रॉवर में। ओके तो मुझे जाना चाहिए अभी, इस ड्रॉवर में भी देख लेते यार, इसमें भी कुछ नहीं है, चलो इसके अंदर भी देख लेते। तो पूरा मुझे घर में ढूंढ ढांड करना पड़ेगा यार, क्योंकि बहुत बोरिंग होने वाला था। स्किप करते उसे, ओके फाइनली हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें तो खोज ली है काम की, बट अभी ज्यादा कुछ मिला नहीं है। अभी स्किप करने में बहुत देर लगेगी यार। ओके तो अभी मैं बुला रहा हूँ दादा दादी को, कोई लोग तो हो गए होंगे ठीक, तो आ जाए दादा दादी जल्दी से, तो यहाँ पे कुछ आसानी हो जाए। मेरे दादी दादा दोनों आ जाए जल्दी से, कोई यहाँ क्यों नहीं आया यार। जी दादा दादी, ओके दादी आ रही है, दादी आ रही है, दादी आ रही है। ओके दादा आ गया, सूट सूट सूट। अरे यार सूट क्यों नहीं हो रहा है? इस तत्ते ने तो हमेशा यार इसका दद्दा के हाथ से 3 बार मैं मार चुका हूँ भाई, 3ों बार दद्दा के हाथे मरा यार। क्या ये पनौती मनहूस दद्दा, अबे बेबार दद्दे कहाँ से यार। पहले बार उसने दादी के साथ मिलीभगत बना करके मुझे मारा, दूसरा बार वो नीचे क्या करने गया था पता नहीं, उसके बाद उससे मारा। अभी सूट का बटन दब ही नहीं रहा था, दब ही नहीं रहा था, दबाने की कोशिश की, दबा ही नहीं सूट का बटन। यार क्या है बेकार की यार, वैसा यही होता है। आप जल्दी से मैन उठाओ और इन लोग को स्टंट करो जल्दी से। ये दादी तो निकल गई होगी ना इधर से। ओके दद्दा ये क्या कर रहे हो तुम बाथरूम में? ए बाथरूम में बोला है ना, ये सब पर्सनल प्राइवेसी काम है, गेट बंद कर करनी चाहिए। तूने गलत काम किया, ये ले गेट बंद करके किया कर ही सकती। मैंने कितनी बार बोला है कि सब प्राइवेसी काम है। अरे दद्दी आ जा, तेरे पियानो बजा दिया मैंने। अच्छा दादी बोली, कौन मेरा पियानो बजा रहा है, इधर आओ।
तो ये देखो ये मर गई मर गई मर गई। चल निकलने यहाँ से, पहले तुम अपना चमनप्रास खाओ, मतलब कि अपना तुम पहले एक दांत ठीक करवाओ चमनप्रास खा के, आ जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। यस गाइस, दादी आ गई, पहले इसको स्टंट करो उसके बाद दद्दू को मारेंगे। ये पहले स्टंट हो जाती है, निशाना चुकते चुकते बेचारे गोली तो उठाने दे दो। दद्दी पूरी देख रहा चमन परास पूरा गुटखा पान मसाला थूक के रखी है मुंह में, बोला अपना गुटखा खाती है दद्दी, गंदी दादी है तू गुटखा क्यों खाती है, इस उम्र में गुटखा खाना तुझे सूट करता है, चल अपने पति को बुला ले वरना तेरे पति को मैं मार डालूंगा। शांति से अपने पति को बुला ले यार, दद्दू आ जा ना, तेरा कैमरे के सामने डांस भी कर दिया, आ जा जल्दी से दद्दू। अरे दद्दू आता क्यों नहीं है, मैं नीचे नहीं जाना चाहता क्योंकि दया दद्दू से काट देता है, देख रहे हो यहाँ पे मैं 2 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ तक कि दादी ठीक भी हो गई है और वो वापस आ भी गई है, मैं वापस आ गई हूँ ये बोले दादा गाई है। दद्दी वापस भी आ गई लेकिन दद्दा नहीं आएगा इस बार, दद्दा को दादी की कसम अगर नहीं आया तो दद्दा तुझे आना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी की कसम, दद्दी की कसम, आ जा दद्दा चला मैं ऊपर यार। और दद्दा ने दादी की कसम खाई तो आ गए दद्दा। दद्दा सरप्राइज, ये देखो कैसा लगा दद्दा तुमको सरप्राइज, तुम्हारा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट यही देना चाहता था मैं। अब चलो जल्दी से इसको ऊपर फेंको क्योंकि स्टंट गन काफी जरूरी है, तो इसको ऊपर फेंक देते हैं यहाँ पे इसको गिराएंगे और उसके बाद इसको पहले इसको खोल लेते, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या निकलेगा। तो अगर ये मिस होता तो जाते हम लोग आज, क्योंकि मिस होता तो जाएंगे आज हम। ओके जल्दी से पेंटिंग पीस मैं ले आता हूँ और कटिंग प्लायर्स पहले काट लेते हैं, उसके बाद पेंटिंग पेंटिंग पीस लेके आएंगे और उस दरवाजे को खोल लेंगे। तो चढ़ जा गवार इंसान। ओके चढ़ गया, चलो यार मैं हर बार रास्ता भूल जाता हूँ, मुझे जाने का मन करता होगा। अब इसके अंदर क्या निकलेगा, इसके अंदर क्या होगा बताओ तो। इतना सामान दे देना यार मुझे, ग्लास क्यूब बजाई ग्लास क्यूब। ओके ये डोर हैंडल क्या करना मुझे, डोर हैंडल और तू कौन है भाई, तू हट गया उनसे, डोर से स्किप नहीं करना है, इसको पिरानी ने बंद करके रखा है यार। तो भाई साहब क्या हुआ था तुम्हारे साथ, गायब हो गया है तो। चलो तो यार गोली खा जल्दी से निकलते हैं यहाँ पे कि दद्दी आ जाएगी, उसमें एक एक और जल्दी से पेंटिंग के पीस लेके आता है। तर जा भाई तर जा तर जा। ओके चलो इस पेंटिंग पीस, मैंने पेंटिंग के पीस कहाँ देखी थी, एक मैंने कहीं तो देखा था पेंटिंग का पीस, मैंने शायद पेंटिंग का पीस देखा था बाथरूम में तो नहीं है, कहीं तो देखा था मैंने पेंटिंग का पीस, हाँ स्टंट गन जहाँ लेने गए थे, अब कह रहे छट्टी वाला, चलो यहाँ पे देखा था मैंने एक पेंटिंग पीस, इसको उठा लेते हैं, उठ जा भाई पाव गया कि दद्दू का एक पेंटिंग और मिल गया हमें तो एक और पेंटिंग इसको कर लिया, वो किधर होगी बता देना मुझे कोई। ओके ये रही पेंटिंग, एक और पेंटिंग मिल गई यानी कि काम बन जाएगा अपना। यहाँ से निकलते जल्दी से इसको खोल के देखते क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखने का टाइम नहीं चल रहा, कुछ नहीं है इसके अंदर भी। ये क्या कर रही दद्दी आ गई, दद्दी क्या तुम पान मसाला खा रही हो, लगता है पान मसाला खा रही हो उधर कोने में, दादी को देख लिया मैंने पान मसाला खाते हुए, दादी आ रही भागा, तो दादी गुस्से में है क्योंकि हमने उसे पान मसाला खाते हुए देख लिया है, गुटखा तम्बाकू नहीं खाना चाहिए दद्दी। चलो अभी इधर से निकलते भाई, और दद्दा तू कोने में क्या कर रहा था, दादा तू लोग बहुत ज्यादा मिली भगत करते हो, इस वक्त मैं तुम्हारे हाथ में आने वाला हूँ, इधर दादा है इधर दादी है, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, अरे लोग पकड़ के रहना लगता है मुझे पूरा फॉर्म नहीं लो पूरा, यहाँ से निकलते यहाँ से निकलते यहाँ से निकलते भाई, यहाँ तुम लोग अपने पारा मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे लगा दो पर मैं नहीं पकड़ने वाला हूँ, चल निकल यहाँ से, तुमने 2-3 बार मुझे धोखे से मारा है पर इस बार तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि मैंने पूरा रास्ता खोल दिया है यार, नॉर्मल मैं गलत रास्ते पे आ जाता हूँ यार, ऑटो इधर जाना है अभी, इधर डालते इसको लगाओ इसको इधर, अभी एक पीस और लेना है लेकिन उससे पहले इनको स्टंट करना पड़ेगा यार, वेपन की भी नहीं मिल रही, मुझे लगा था इसके अंदर वेपन की मिल जाती, डोर हैंडल क्या करना, मुझे डोर से स्किप ही नहीं करना है। के दादा आर यू हियर, इधर आएगा दादा तो ठीक है, उसको इधर से हम स्टंट कर लेंगे क्योंकि नीचे जाने में काफी खतरा होता है, यहाँ पे आ जाए दादा तो ठीक है, इधर से भी कोई दिख जाए तो ठीक है, इधर से भी हम लोग मार देंगे।
पीछे मत गिरियो यार, वरना सीन हो जाएगा मेरे साथ। अच्छा यहां से हम लोग कूद सकते हैं, लेकिन वो जो ग्लास क्यूब वाला सीन रहता है वहां पर गिरते तो नीचे क्यों गिर जाता है यार, उधर भी तो उसी की हाइट है। अब यहाँ पे कोई ना कोई तो आएगा पक्का, अब तेरे तो डूब जा, जल्दी हो जा। अरे ये देख, तू फुटेज देख रहा, तू गंदा गंदा चीज देखता है, हट हट लाइट। इसको स्टंट कर दिया, अगर मैं नीचे उतरता तो ये मेरा साथ बचा देता, कांड कर देता ये मेरे साथ। भाई तो नीचे उतर जाते हैं चलो, कहीं दादी ना आ जाए अपना पति का बदला लेने के लिए, निकलिए बोला मेरा सुहाग उछड़ जाएगा, वरना आ जाएगी दादी, सुहाग उछाड़ दिया मेरे दादी का। दादी चल, दादी से तो डरते नहीं हम लोग, हाँ भी दादी, दादी को पता चल गया था उसका सुहाग मर गया है, तो उनका करके जिंदा रह के चल तू भी निकल जाए। अरे यार लाइन फट जा, तू माता मत करो कर। और चलो गोली दो और मैं जा रहा हूँ जल्दी से लेकर कर आता हूँ, लेकिन उससे पहले स्टंट गन को ऊपर पहुंचा दो भाई, स्टंट गन काफी जरूरी चीज है यार, उसके बिना कुछ नहीं होता है। स्टंट गन को ऊपर रखो क्योंकि एक सेफ प्लेस में रहेगा तो आसानी होगा। तो मैं जल्दी जल्दी लेके आता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में पेंटिंग का पेज, तो काफी ज्यादा बोरिंग होता है ये सब चीजें। क्यों, मुझे फाइनली वेपन की भी मिल चुकी है, मैं जा रहा हूँ वेपन की लेकर के, वेपन लेने के लिए। अब मुझे वेपन की तो मिल चुकी है फाइनली, मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ दादा दादी का कि दादा दादी आए और यहाँ पे मैं शूट करूंगा। तो दादा आ गए और ये पटाक शॉट, ये दादा ने क्या छलांग मारी है यार, दादा तुमको ओलंपिक्स में जाना चाहिए, दादा को एक सल्यूट हमारी तरफ से। अब क्या, दादी का इंतजार है, दादी आ जा, तुम्हारा ही इंतजार है, आ जा दादी आ जा, ओ दादी आ जा रे दादी, दादी की टटन लगाओगी, आ जा जल्दी से, देख शॉर्ट गन भी गिरा दिया तेरे चक्कर में, अब तो आ जा दादी, दादी वेर आर यू, आ जा इधर। ये दादी ने बड़ा सीन क्रिएट करती है यार, इसका दद्दू गायब भी हो गया इधर से, लेकिन इसकी दद्दी नहीं आई, दद्दी आ जा, दद्दी आ गई, ले सट सट खा। अरे दादी बच गई, दादी के कपड़े से आर पार हो गई, निकलना पड़ेगा यहाँ से, वरना भाई बहुत ज्यादा पटक निकल ले भाई। अरे दद्दी इधर से बैड ऐस वाली एंट्री मारी है, तो यहाँ से निकल ले ऊपर, हमें निकल लेना चाहिए यहाँ से ऊपर, क्योंकि दादी आ चुकी है अपनी बैड ऐस वाली एंट्री मार करके, बोली तुमने मेरे पति को मार दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, दादी के लिए एक ही गोली काफी है, चलो एक ही गोली उठा और जल्दी से दादी को मारो यार, दादी पास आएगी, दादी दादी का कहीं से सीन हो हेलो, जाएगा, दादी आ जा जल्दी इधर आ जा, दादी मैं दादी आ जा, तो दादी आ जा ना, शॉट गन भी गिरा दिया इसके चक्कर में, आ जा दादी, तेरा ही शिकार था मतलब तेरा ही इंतजार था, ये गई दादी भी उड़ गई पूरी। चल मुझे शांति से वो पीस लाने दो यार, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते गाइस। देखा क्या क्या होते रहता है यहाँ पे, अब के दद्दा आ चुका है, चलो तू जा दद्दा, अब दादी का बारी, दद्दी आज तुम्हारा काम होने वाला है, आज दद्दी दोनों को एक साथ, आत्मा को शांति मिलेगी भाई, दोनों एक साथ मारी है। चलो फाइनली अब हम लोग शायद स्टेप के काफी करीब है, बस मुझे क्लास क्यूब खोजना है, तो पहले लेकिन हमें क्लास क्यूब खोजने से पहले मीट का टुकड़ा देके जाते हैं उसके छठी वाला के पास, तो चलो देख लेते हैं उस एलियन के पास क्या क्या है। वो एलियन देखने के तो लिए खाना ले आया हूँ मैं, खाना खा ले रहे एलियन, एलियन हो जाए खाना खा ले, हो जाए खाना खा ले, यहाँ पैडलॉक की, यहाँ पैडलॉक की कम से जरूरत है, यहाँ पे ले खा ले, कोई काम कर रहे हैं पैडलॉक की, पर फिर भी यहाँ से ले जाते हैं पेंट का, तो चलो काम हो गया तो पता चले इसने खाना भी खा ली और मेरे को मिलेगा भी नहीं, चलो फिर पेंटिंग हेलीकॉप्टर की मिली है तो हेलीकॉप्टर की सुविधा रख देते ऊपर में। और चलो बस अभी एक काम करना है जो कि है मुझे शॉटगन से उस दरवाजे को खोलना है, तो इसमें तो मुझे मास्टर ही, मैं स्नाइपर मास्टर बन चुका हूँ, इतना इसका गोली निकालो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, काफ़ी गोली हो गई, आप यहाँ लगाते नहीं सामना, देखो मेरा एकदम प्रो स्किन से एक एक शॉट पे गिरेगा ये, रुक जाए थोड़े ये हिलना बंद कर, हिलना बंद कर, क्या छुपा दिया एक निशाना, दूसरा निशाना चुन दिया, इतनी मुश्किल क्यों बनाई है इसको हिट करना, ले 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 पूरा निकाल के दादी को कंगाल कर दूंगा, इसको फिर पूरा बिल भरना पड़ेगा हम लोग का, अब लगेगा निशाना, अब देख, अब देखो तुम लोग कितने मैं को हूँ इसमें,
ये सारा मर जाए यार, मैं इसमें प्रो रो नहीं हूँ यार, बहुत टाइम लगने वाला है फास्ट फॉरवर्ड। ओके फाइनली दरवाजा खुला यार, कितने देर बाद खुला पता नहीं तुम लोगों को, बट यहाँ पे पासपोर्ट तुम लोग लीजिए। और इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि मैंने देख चुका है यहाँ पे पहले ही गिर जाते नीचे, तो इसके लिए ग्लास क्यूब चाहिए। और ग्लास क्यूब मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा, मतलब कहीं पे भी नहीं मिल रहा, लिटरली कहीं पे भी नहीं मिल रहा। मुझे लगा तो उस एलियन के बच्चे के पास होगा, बट उस एलियन के बच्चे के पास भी ग्लास क्यूब नहीं है यार, कहाँ खोजूँ ग्लास क्यूब। अब मुझे पूरा घर छान मारना पड़ेगा, रानी कहा पहले इन दोनों के स्टंट करते हैं, 2 मिनट पूरे घर को छान मारता होगा पूरा। तो सबसे पहले चलो नीचे जाकर देखते हैं यार। अरे तेरी देख रहे हो ग्रैंड पा यहाँ पर खड़ा, पहले ग्रैंड पा तू जा, तुम्हारी साथी को भी मारने का वक्त आ गया है, तुम्हारी पति पति पत्नी परमेश्वर को मारने का वक्त आ चुका है। तुम्हारी पत्नी परमेश्वर तुम्हें यहाँ पे नहीं आएगी देखने के लिए, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। जय महेश मती। यार मैंने पूरा घर दो दो बार छान मारा यार, बाथरूम को छान मारा ऊपर सब जगह से देख लिया, बट एक बार फिर से छान मार लिया हम लोग ये बाथरूम के ऊपर। ये खुलता था, ये खुलता था, लिटरली ये खुलता था यार, मैंने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। यानी कितना देर से मैंने इसे छाना है यार, मैंने मतलब छाना मतलब क्या बोल रहा, मैं ढूंढ रहा था यार कितने देर से, मैंने पूरा घर ढूंढ डाला यार, मुझे मिल ही नहीं रहा था ये ग्लास क्यूब। और वो वहाँ पे उस छोटे से वहाँ पे डब्बे डब्बे के अंदर था, वो पता ही नहीं था मुझे। ग्रैंडपा ग्रैंडी ने किस तरह का घर बना के रखा कुछ तो बता दिया करो पहले ही। अभी सिर्फ गैसोलीन लेके आना, तो गैसोलीन लेके आ जाता हूँ मैं जल्दी से, गैसोलीन भी काफी जरूरी है हमारे लिए लाने के लिए। फिर गैसोलीन ले आएंगे उसके बाद हमारा फाइनली स्किप पूरा हो जाएगा, कोई सामने मत आना वरना ये गैसोलीन मुंह पे फेंक के मारूंगा, जला के रख कर दूंगा इधर। क्या कोई मत आना अभी सामने के लिए, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज जाने दो यार। क्या मैंने लेकिन मतलब एक तरह से मैंने क्या खेला है, क्या खेला है यार मैंने, तो कि मैं बहुत अच्छा खेल लिया यार, मैं क्या बताऊँ क्या खेला है यार, एक बार भी नहीं मारा मैंने उसके बाद। तो इसको यहाँ ड्रॉप करते हैं, क्या खेला है मैंने भाई साहब। और इस गैसोलीन ने मेरे साथ खेल खेल गया, नीचे क्यों गिर गया रे तू, अब पता चलेगा। इसको लाने के लिए मैं फिर नीचे गया और मुझे मर गया भाई। चलो इसको बाद में लेने जाएंगे, पहले इसको पहले ऑन करते पहले, अब जा जाके देख लेते क्या क्या है। ये अलग आया, अब हम लोग जा सकते हैं आगे। फाइनली फाइनली हम लोग हेलीकॉप्टर पास पहुंच गए भाई, सब इसे थोड़ा मोड़ा ठीक करना है और उसके बाद हम लोग इसके कर जाएंगे। बस वो गैसोलीन लाने में सीन ना हो जाए बस हमारे साथ, गैसोलीन का चक्कर बड़ी माता खराब किया इसने। मैं क्या तारीफ किया था, मैं एक बार भी नहीं मरने वाला था, मतलब 3 दिन मतलब लगातार मारा, 4th दिन में आने के बाद क्या हाल हुआ यार, एकदम लगातार खेल के एकदम जीतने वाले स्टेज में पहुंच गए। बस इसको उठा और निकलो यहाँ से, आना जाए वापस से, जल्दी निकल जाए भाई वरना मरेंगे फिर हम लोग। ओके इस बार तो नहीं मरने वाले हम लोग। अरे इधर से दरवाजा खोलना भी भूल गया मैं, फिर से लंबा वाला पूरा रास्ता चुनना पड़ेगा भाई। चलो फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं ग्रैंड चैप्टर 2 को पार कर ले रहा हूँ यार हेलीकॉप्टर स्किप, क्योंकि ये नया नया स्किप आया तो ईजी लगता है मुझे हेलीकॉप्टर स्किप भी, ये काफ़ी ईजी लग रहा है मुझे। फ्यूल भर दो, और सबसे अच्छी बात यार फ्यूल भरते हो तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, वरना तुम बोटिंग फ्यूल भरते हो तो कभी भी ग्रैंड पा नीचे आ जाता है अपना गैस जाने का खाना खिलाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि ऑक्टोपस का चेहरा ग्रैंडपा से मिलता है ना, इसलिए वो ग्रैंडपा को खिलाने आ जाता खाना। पहले तो इस शॉर्टकट वाले गेट को खोल लो तो है भाई, क्योंकि इजी हो जाता है इधर से उधर जाने में। ओके तो अब हमें टेप लेना है, हेलीकॉप्टर की लेनी बस, और हमारा हेलीकॉप्टर चल निकल के। और अभी देखो इंडियन जुगाड़ लगाएंगे मतलब, ये देखो टेप से पंखा सट जाता है भाई, अब से कभी भी हेलीकॉप्टर का पंखा उनका सटे कोई जरूरत नहीं है, टूटे बस टेप लगाओ सट जाएगा सब कुछ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी हेलीकॉप्टर की ये देख रहा चाबी जैसे लग रहा है भाई, कहाँ हेलीकॉप्टर की है भाई, कुछ भी स्टार्ट इंजन। और फाइनली हम लोग एस्केप कर रहे हैं गाइस। ये गाइस ग्रैनी तुम्हारे घर की मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आने वाली है, तुम्हारे लिए कुछ फर्नीचर वगैरह लेके आना तो बता देना, मैं लेकर आ जाऊँगा। बाय बाय ग्रैनी ग्रैंडपा
माय काफी याद आएगी। बाय 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 बाय, मुझे टाटा करने नहीं आओ क्या? बाय बाय करने का। यस फाइनली तुम लोग आ गए मुझे बाय बाय करने के लिए, तो बाय बाय मैं जा रहा हूँ। उड़ा दे हेलीकॉप्टर से, उड़ा दे। फाइनली हम लोगों ने खत्म कर दिया है, ये द एंड पेन चैप्टर टू हम लोगों ने फाइनली खत्म कर दिया भाई। काफी मजा आया इसको खत्म करने के बाद यार, काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये स्टोरी, काफी ज्यादा मजा आ गया इसको स्किप करने के बाद। और अगला वीडियो में हम लोग करेंगे बोट स्किप या फिर टोर स्किप, देखते हैं कौन सा स्किप हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को जिससे कि तुमको कंटेंट मिलते रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। गुड बाय, टेक केयर।